नमस्कार दोस्तों, मैं लवली सिंह और आप देख रहे हैं श्रृंखला फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीवी के बारे में, डीवी की फुल फॉर्म है डेल्यूज बाल। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और ये कैसे ऑपरेट होता है, इसको लाइन में कैसे लिया जाता है, ये ऑटो में कैसे चलता है। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। तो अब बात करते हैं डीवी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीवी सिस्टम किस काम आता है और क्यों लगाया जाता है। तो डीवी सिस्टम किसी भी सिस्टम को ऑटो में रखने का काम करता है। डीवी सिस्टम के आगे जो भी सिस्टम लगाया जाता है वो उसको ऑटो में रखने का काम करता है। तो हम जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसके पहले जान लीजिए, इसके दो बाल्ब होते हैं, एक डाउन स्ट्रीम एक होता है अप स्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं आउटलेट बाल्ब, और ये होता है इनलेट बाल्ब। ये है इनलेट बाल्ब, क्योंकि ये अपनी मेन लाइन है, यहां से पानी आ रहा है। यह है इनलेट बाल, यह है इनलेट लाइन की प्रेशर गेज। और नेक्स्ट बात करते हैं, यह है फ्लो कंट्रोल डिवाइस, ये फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, यह है प्राइमिंग लाइन, ये डीवी को चार्ज करने के लिए लगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये है एसओवी वाल, जिसको हम बोलते हैं सोनोलाइट वाल। जब भी डीवी ऑपरेट होता है तो ये पैनल को कमांड देता है। ये तीसरा जो आपको दिख रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं मैन्युअल रिलीज वाल, इसको रोटेट कनोब भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, डीवी को मैन्युअल मोड में ऑपरेट करना। जैसे कि हम जहाँ से इसको ओपन करेंगे, अभी तो डीवी आइसोलेट है, जब भी हम इसको करेंगे तो जहाँ से पानी निकलेगा तो डायफार्म का पानी निकलेगा, डायफार्म उठ जाएगा और पानी बाईपास हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैन्युअल रिलीज बाल। और जो नीचे आपको जो एक बाल दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायफार्म का ड्रेन वाल्व, ड्रेन बाल। और नेक्स्ट ये आपको जो दिख रहा है ड्रेन बाल, ये है आउटलेट लाइन का ड्रेन बाल। तो ये है डायफार्म की प्रेशर गेज, जब भी डायफार्म उठ जाता है तो जहाँ पे प्रेशर गेज, प्रेशर जितना प्रेशर होता है पंप हाउस का, वो इसमें दिखा देता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है प्रेशर स्विच, ये प्रेशर स्विच का आइसोलेशन वाल्व। जब भी प्रेशर स्विच में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कुछ भी करते हैं तो जहाँ से इसको बंद करके, इसको खोल के, इसको मेंटेनेंस करके उसके बाद इसको लगा देते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये है बाईपास बाल, इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कभी जब भी हमारे डीवी में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कारण हमारा डीवी सिस्टम नहीं स्टार्ट होता, तो क्या होता है, हम एमरजेंसी के टाइम में बाईपास बाल को खोल के पानी को चालू कर सकते हैं। ये है प्राइमरी लाइन का बाल। तो दूसरी साइड थोड़ा देख लेते हैं, ये है गोंग बेल। गोंग बेल का काम क्या होता है कि आसपास में जो भी लोग प्लांट में काम करते हैं, जब भी हमारा डीवी सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये गोंग बेल बजना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक अलार्म का काम करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ से हम ये बाल है गोंग बेल को चेक करने के लिए, ये इनलेट लाइन साथ कनेक्ट रहता है, इसको ऑन करेंगे तो ये गोंग बेल चलने स्टार्ट हो जाएगी, इससे हम चेक करते हैं। और ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये भी गोंग बेल के साथ कनेक्ट रहती है, ये दिख रहा है आपको, ये है NRV। जब भी हमारा डीवी सिस्टम स्टार्ट होता है तो आउटलेट लाइन में प्रेशर जाता है, तो वहाँ से
प्रेशर के माध्यम से पानी आता है जहाँ से क्या गोंग बेल स्टार्ट हो जाती है। ये एनआरवी इसलिए लगाया जाता है, कभी भी हम गोंग बेल को चेक करते हैं तो जहाँ से हम गोंग बेल को चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जब भी जो भी पानी जाएगा तो गोंग बेल में जाएगा और उधर से पानी इस लेन में भी जा सकता है, तो इसलिए जहाँ पे एनआरवी लगा दिया जाता है कि पानी जहाँ से अंदर ना जाए। ये मैंने आपको बता दिया होगा कि ये है ड्रेन टू द सॉरी डायफार्म का ड्रेन वाल्व, ये है इनलेट लाइन की प्रेशर गेज। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसको लाइन पे कैसे लिया जाता है। तो हमको डीवी को लाइन में लेना है, तो कैसे लेना है तो जान लेते हैं। जब हमारा डीवी किसी कंडीशन के कारण या कहीं आगे काम चल रहा है तो डीवी आइसोलेट रहता है, तो आइसोलेट कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा आउटलेट वाल है और ये इनलेट वाल है दोनों बंद रहते हैं, ठीक है, तो दोनों बंद रहेंगे और बाईपास तो बंद रहता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आगे डीवी के पास आके सबसे पहले हमको आगे क्या करना है, ये दोनों वाल बंद रहेंगे, सबसे पहले आगे हमको ये ड्रेन कर लेना है, डायफार्म का जितना पानी है उसको ड्रेन करना है, इस जो आउटलेट लाइन है उसको भी ड्रेन कर लेना, पूरा हमारा सिस्टम ये ड्रेन हो चुका है। उसके बाद हमको ये प्राइमिंग लाइन है इसको ओपन कर देना है और जो हमारा इनलेट बाल है उसको धीरे से मतलब कि 75% उसको ऑन करना है। उसके बाद हमारा प्रेशर वहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाएगा, जब हमारा प्रेशर पूरा बन जाएगा तो क्या होगा, तो उसको धीरे धीरे खोल देना है, इनलेट बाल को पूरा खोल देना धीरे धीरे। तो उसके बाद क्या करना है, जो हमारा आउटलेट वाल है इसको हम कैसे भी खोल सकते हैं, जब हमारा डीवी ऑटो में पड़ गया उसके बाद हम इसको कैसे भी करके खोल सकते हैं, तेज खोल सकते हैं धीरे खोल सकते हैं, क्योंकि अगर डीवी सिस्टम हमारा ऑटो में नहीं पड़ा होगा तो क्या होगा, हम इसको खोलेंगे तो पानी वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर वहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, तो इस समझ लेना कि जब डीवी हमारा ऑटो में नहीं डला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा मेरे वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीवी को कितने तरीकों से ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि अभी जो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डीवी को कितने तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और प्रेशर स्विच का क्या काम होता है, इसका भी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।